हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अलग तरीके का स्टफ्ड पराठा। इस पराठे को हम बहुत जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। चलिए बिना देर के शुरू कर लेते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने एक बड़ा साइज बॉयल्ड आलू लिया है और मैंने लिया है 1 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1 मीडियम साइज टमाटर, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 2 टीस्पून तिल, 1 मूंगफली ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने 1/4 नींबू का रस डाला है। अपने स्वाद अनुसार नमक लेना है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हमारा स्टफिंग रेडी है। मैंने पहले से आटा डफ रेडी करके रखा है। अब हम पराठा शुरू करेंगे। इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। अब हम इसके बीच में स्टफिंग भरेंगे। अब हम इस टाइप से फोल्ड करेंगे, देख लीजिए। अब हम नीचे की तरफ थोड़ा सा पानी लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए कितना जल्दी बन गया है। आप हमेशा स्टफ्ड पराठा राउंड शेप में बनाते होंगे, इस बार आप ट्रायंगल शेप में भी ट्राई करना। अब हमारा पैन गरम हो गया है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। देखिए दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको प्लेट में निकाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम समोसा पराठा भी कह सकते हैं, बच्चे तो बहुत पसंद करेंगे। इसको आप ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।